Hi everyone, welcome to my channel. आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दिस आई मेकअप लुक. सो दिस इज अ ग्रीन होलोग्राफिक आई मेकअप विथ ब्यूटिफुल पिंक आई लाइनर एंड पॉइंटेड इनर कॉर्नर. सो अगर आपको देखना है हाउ टू क्रिएट दिस लुक देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हर एक प्रोडक्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट गेट स्टार्टेड विथ टुडेज वीडियो. तो यहाँ पे आई शेडो पैलेट के लिए मैं यूज़ की हूँ O2O का डार्लिंग आई शेडो पैलेट. आई डोंट नो इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर पाऊंगी कि नहीं. तो सबसे पहले मैं ब्राउन शेड को अप्लाई करूंगी आउटर वी पे. तो यहाँ पे मैं ब्रश के लिए पैक का फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ और इसके हिसाब से मैं ब्राउन शेड को आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ एज यू कैन सी. और धीरे धीरे इसको क्रीज पे भी लेके जाऊंगी एंड इंटेंसिफाई करूंगी आउटर वी की तरफ. सो धीरे धीरे कलर को मैं पैक करते हुए बिल्ड करूंगी एंड क्रीज के साथ अच्छे से ब्लेंड करूंगी. सो बैक एंड फोर्थ मैं कलर को इंटेंसिफाई कर रही हूँ एंड ब्लेंड भी करते रहूंगी. नेक्स्ट मैं इसके बाद लाइटर ब्राउन शेड के साथ एजेस को ब्लेंड आउट कर लूंगी. सो दिस विल बी माई ट्रांजिशन शेड. तो इसके हिसाब से मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूंगी एजेस को, जो भी हार्शनेस है उसको भी ब्लेंड आउट कर लूंगी. और ब्रश के लिए मैंने यूज किया है सिग्मा ब्यूटी का E38 ब्रश. नेक्स्ट मैं यहाँ से जो ब्लैक शेड है उसको अप्लाई करूंगी एंड इसको मैं आउटर वी के तरफ अप्लाई कर रही हूँ. और ब्रश के लिए मैंने यूज किया है सिग्मा E54 ब्रश. सो इसको ओनली मैं आउटर वी के तरफ अप्लाई करूंगी. सो एज यू कैन सी मैं बहुत प्रिसाइजली एंड बहुत कम प्लेस पे अप्लाई कर रही हूँ. अगेन मैं ब्राउन शेड के साथ ब्लैक शेड को ब्लेंड आउट कर लूंगी और क्रीज पे भी थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर लूंगी. नेक्स्ट मैं कट क्रीज ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ. सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी कंसीलर. आई एम इन द शेड 25 और ब्रश के लिए मैंने यूज़ किया है प्रो आर्ट का कंसीलर ब्रश. तो धीरे धीरे मैं सबसे पहले मार्क कर लूँगी क्रीज पे कहाँ पे मुझे कंसीलर अप्लाई करना है एंड देन मैं लीड को कंसीलर के हेल्प से क्लीन कर लूँगी. तो ये कंसीलर ब्रश मुझे बहुत पसंद है बिकॉज इसके हेल्प से आप बहुत इजीली कंसीलर अप्लाई कर सकते हो और कट क्रीज ड्रॉ करना भी बहुत इजी हो जाता है इस ब्रश के हेल्प से. इसके बाद मैं ब्राउन शेड के हेल्प से कंसीलर के एजेस को अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी और थोड़ा सा स्मूथ ट्रांजिशन भी क्रिएट करूँगी ताकि कंसीलर का जो हार्शनेस है, जो एजेस बन रहा है वो ना दिखे. सो यहाँ पे मैं ब्राउन शेड को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. एंड इसके बाद मैं जो ग्रीनिश कलर है उसको अप्लाई करूंगी एक फ्लड ब्रश के हेल्प से कंसीलर जहाँ पे अप्लाई किया था वहाँ पे, मेनली फ्रंट सेक्शन पे इनर वी टू मिड आईलिड तक. और यू कैन चेक आउट माय सिस्टर चैनल, उनका कुकिंग का चैनल है. तो अगर आपको इंटरेस्ट है कुकिंग में और न्यू रेसिपीज ट्राई करना है तो डू चेक आउट हर चैनल, बहुत अच्छा कुकिंग करती है. इसके बाद मैं लाइनर ड्रॉ करूंगी. तो यहाँ पे मैं लाइनर के लिए यूज कर रही हूँ मेबेलिन कोलोजल लाइनर एंड इसके हेल्प से मैं विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लूंगी. सो मुझे विंग आईलाइनर वेयर करना बहुत पसंद है और इस आई मेकअप के साथ बहुत अच्छा जा रहा है विंग आईलाइनर. सो मैं एक डिसेंट सा विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लूंगी और साथ में पॉइंटेड इनर कॉर्नर भी ड्रॉ करूंगी. Sometimes
उसके बाद मैं मेबलिन जेल आईलाइनर से लोअर वाटर लाइन पे काजल अप्लाई करूंगी एंड सेम जेल आईलाइनर के साथ मैं पॉइंटेड इनर कॉर्नर भी ड्रॉ करूंगी। सो बहुत ही इजी है पॉइंटेड इनर कॉर्नर ड्रॉ करना, एज यू कैन सी। इसके बाद मैं ब्लैक आई शेडो को अप्लाई करूंगी लोअर लैश लाइन के क्लोज क्लोज। सो लोअर लैशेस को स्मोक आउट करने के लिए मैं ब्लैक शेडो अप्लाई कर रही हूँ। एंड देन मैं ग्रीन शेडो को अप्लाई करूंगी इनर साइड में। मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन लेस सेंसेशनल मस्कारा। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये मस्कारा। अगर आप बहुत टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हो तो यू नो दैट, सो आई लव दिस मस्कारा। इसके अब से मैं अपर एंड लोअर लैशेस को अच्छे से कोट कर लूंगी। इसके बाद मैं इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूंगी विथ वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाईलाइटर इन दी शेड प्रीशियस पेटल। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल हाईलाइटर। नेक्स्ट मैं ब्राउन शेड को भी लोअर लैशेस को स्मोक आउट करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ। सो एज यू कैन सी मैं उसके सबसे अच्छे से स्मोक आउट कर लूंगी लोअर लैशेस पे। इसके बाद मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। ये पैलेट है ब्यूटी ग्लेस का ग्लिटर पैलेट। इसमें से जो होलोग्राफिक ग्लिटर है उसको अप्लाई कर रही हूँ मैं। तो आप देख सकते हो लो लाइट पे ग्लिटर कितना अच्छा पिक होता है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है इस आई मेकअप के साथ। बट कैमरा पे उतना अच्छा नहीं पिक हो रहा है ग्लिटर, नेचुरल लाइट में ये बहुत अच्छा लग रहा था। एंड इसके बाद मैं फॉल्स आईलैशेस अप्लाई की हूँ पैक का M75। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज। आई होप आपको ये आई मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो का भी कोई अगर रिक्वेस्ट हो तो वो भी कमेंट डाउन कीजिएगा। मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।